प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटने वाली हर एक घटना का संबंध ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। इन्हीं को जीवन का मूल ग्रह कहा जाता है, जो कि अपनी चाल से राशियों के जातकों पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन यापन करने के लिए भौतिक वस्तुएं आवश्यक होती हैं, ठीक उसी प्रकार से जीवन में ग्रहों और नक्षत्रों का भी अपना महत्व होता है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में भगवान शनि को काफी क्रूर देवता के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है शनिदेव अपने भक्तों पर वैसे तो मनचाहा फल देते हैं, लेकिन अगर शनि महाराज गुस्सा हो जाएं तो ये सभी का नाश कर देते हैं। शास्त्रों में भी शनि को हमेशा से ही क्रोधी प्रवृत्ति का माना जाता है। बताते चलें, आज रात से शनि भगवान इन दो राशियों पर मेहरबान हुए हैं, जिसके चलते इनकी किस्मत का अब पिटारा खुलने वाला है। इनके दुखों के अंत की बारी आ गई है। आज रात से इन दो राशि वालों पर शनिदेव की कृपा रहेगी। इन दो राशि की किस्मत का भंडार खुलेगा, अब इनका भाग्य खुल जाएगा। कोई बड़ी खुशखबरी भी इनको मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी राशियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो राशियां हैं कर्क राशि। कर्क राशि आज रात से भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्रदान करेगी, साथ ही भगवान शनि के आशीर्वाद से इनके जीवन में तमाम सारी खुशियां आएंगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब इनकी किस्मत का भंडार खुलेगा। शनिदेव की अपार कृपा बरसने वाली है। यह लोग अब ज्यादा ऊर्जा का संचार करेंगे। पैसों का आगमन इनके घर में होगा। आपके घर में धन का भंडार होने वाला है। आज आपका रवैया घर के लोगों पर चोट पहुंचा सकता है, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको बच के चलना होगा। अपने घर परिवार में शांति के साथ आपको काम करना होगा। किसी से बहस या लड़ाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुला राशि, आज रात से शनि महाराज आपका उद्धार करने वाले हैं। आपको हर प्रकार की सुख सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अब इनको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अत्यधिक मेहनत कर सरकारी नौकरी मिल सकती है, और नौकरी भी ऐसी मिलेगी कि आप कोई उच्च दर्जे पर बड़े अधिकारी बन सकते हैं। घर परिवार जनों से आर्थिक व शारीरिक सहयोग मिलेगा। समाज आपका गुणगान करेगा। समाज में आपका सम्मान होगा। आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।